नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 7 साल बाद जमानत पर जेल से रिहा हुए प्रतापगढ़ के बसपा नेता मनोज तिवारी, राजा भैया के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं कुंडा इलाके के मनोज तिवारी। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बसपा समर्थित प्रत्याशी मनोज शुक्ला के पक्ष में BDC सदस्यों के अपहरण और धमकी का दर्ज हुआ था केस। तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक मामलों में मनोज तिवारी हैं आरोपी। थाने के पूर्व मंत्री व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से कई बार हो चुका है विवाद। तत्कालीन बसपा सरकार में जानलेवा हमले और फायरिंग के मामले में राजा भैया को गिरफ्तार कर भेज दिया गया था जेल। आपको बता दें कि पट्टी विधानसभा से मनोज तिवारी की पत्नी बसपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुकी हैं। आज कानपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ घर पहुंचे मनोज तिवारी। घर, गांव और रास्तों में जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए समर्थक। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट।